नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज और मैं हूँ साजिक इमाम न्याजी। साजिक इमाम न्याजी अगले साल की तरह इस साल भी यहाँ पर सूर्य मंदिर में यहाँ पर हाजिर है। आज सूर्य मंदिर में आने का उद्देश्य मेरा ये है, मकसद ये है, खास यहाँ आने का मकसद ये है कि चैत्री छठ पूजा का दिन करीब है और यहाँ पे हर साल काफी श्रद्धालु आते हैं छठ पूजा करने वाले। इसी घाट की चैत्री पूजा का घाट ये घाट है और यहाँ पे काफी दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे छठ करते हैं। और जो कि और एक कार्य यहाँ पे देखने के योग्य और दिखाने के योग्य है कि जो कि यहाँ पर लोग सारे देख सकते हैं इस वक्त ये सारे यहाँ पे कोई झाड़ू दे रहा है तो कोई इस तरह से पत्ते को उठाकर इसे एक जगह पे रखा जा रहा है। आइए मैं चलता हूँ यहाँ पे, कुछ लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत कार्य कर रहे हैं, दिखाने के योग्य कार्य कर रहे हैं, देख सकते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए आप। जितेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? समौता के। समौता के रहने वाले। चलिए मैं उस जगह पे चलता हूँ जहाँ पे काफी लोग तादाद में है और इस कार्य को कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। हाँ जी जी, क्या नाम है आपका? विक्रमादित्य। अच्छा, आज आप लोग मंदिर के खुद मंदिर में है और इस तरह सफाई कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मकसद है? छठ पूजा है, रविवार को है। रविवार को है, इसके क्या यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाव होता है क्या? हाँ ज्यादा भीड़ होता है और सभी लोग छठ व्रती आके छठ पूजा करते हैं, इसलिए सफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या मंदिर के क्या है आप? कोई कमेटी के मेंबर्स हैं या कुछ है? कमेटी के मेंबर्स नहीं है हम। सरस्वती शिशु मंदिर के कल्याणपुर के आचार्य हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जो कल्याणपुर सड़क के पास है ना, बंजारी फैक्ट्री के पास, आप लोग वहाँ से सारे आए हुए हैं? हाँ, हम सब आचार्य आचार्य यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, और साफ सफाई कर रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर के सारे यहाँ पे आचार्य जी लोग मौजूद हैं और वाकई देख सकते हैं आप। और ऐसे में हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं इस वक्त देखिए फोन पे बिजी है, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, न्याजी जी से आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता लोग गण देखेंगे सभी को शुभकामना छठ पूजा का। और देखिए आज सरस्वती शिशु मंदिर से सभी आचार्य गण आए हुए हैं आज इस आस्था का महापर्व में छठ पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ सर सफाई कर रहे हैं। बहुत ही गौरवान खुशी हो रहा है और बच्चे लोगों को इस प्रकार का संस्कार लोगों को देना चाहिए और ऐसे ऐसे आचार्य से ऐसे ऐसे टीचर से सीखना चाहिए कि ऐसे विद्यालय में बच्चे पढ़ें जो कि संस्कार सदैव जीवित रहे। उसी प्रकार यहाँ के लोग इस तरीके के लगे हुए हैं, बहुत ही खुशी हुई। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देखें उन्हें और लोग देखें। सर मैं अगले साल भी आया था, इस खबर को मैंने चलाया था कि बंजारी सूर्य मंदिर में चैती छठ पूजा होता है, काफी भीड़ होता है अगले साल की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल आया तो देखा कि कुछ और नज़ारा है, सफाई बहुत कायदे से और जोर शोर पे है। और कि ये पूजा कब होना है यहाँ पे? ये कल होगा, कल अर्घ होगा 14 अप्रैल को। आज खरना है जो कि आज सभी महिला लोग खीर बनाएंगी, महिला पुरुष लोग बैठकर चंद्रमा के काल में चंद्रमा के समय जो है अपना भोजन वोजन कर लेंगे और प्रसाद लोग खाने भी जाते हैं। तो छठ तो या चैती छठ हो या कार्तिक का छठ हो, छठ तो छठ है। और हमारे भारत डालमिया डीएसपी सीमेंट प्लांट के प्लांट हेड आशुतोष तिवारी सर और एचआर हेड संजय झा सर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और यहाँ के कार्य को किया जा रहा है, तो सभी के सहयोग से इस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। अभी देखिए कि सोन में पानी बहुत कम है, अर्घ तो सबको देना है और अभी जो है कंपनी से जेसीबी आया है उसको पानी को बांधा जा रहा है कि लोग खड़े होकर अर्घ दे, स्नान कर ले, बहते हुए पानी का बहुत श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रखा जाए पूरा पूरा। अच्छा एक बार पंडित जी ये बताइए कि ये जो चैती छठ होता है तो ये तो अभी तो धूप का महीना भी हो गया है, काफी शिद्दत गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई है, अगला जो छठ होता है जो क्या कहते हैं उसे? चैती छठ। ये चैती छठ है, कार्तिक में होता है। कार्तिक छठ जो होता है तो ठंडी के सीजन में होता है, तो श्रद्धालुओं को जो व्रत करते हैं लोग उसमें राहत होती है। इसमें तो दरअसल तापमान ये है, ये कठिन है और इस छठ का बहुत ही महत्व है। जो ये छठ जो भी लोग ये छठ करते हैं उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होता है। भगवान भास्कर उनको कभी किसी प्रकार का रोग पीड़ा से दूर रखते हैं। और श्रद्धा तो सर श्रद्धा होता है, धर्म तो धर्म होता है, किसी भी धर्म में चले जाइए
श्रद्धा और धर्म का तो एक महत्व ही अलग है। गर्मी के दिन है, कल तो मौसम भी कुछ ठीक था, आज हम तो भगवान से बोले कि आज बारिश होना चाहिए थोड़ा बहुत कि मौसम ठीक हो आज और कल, कि जितने भी छठ करने वाले व्रत करने वाले माता बहन भाई हैं तो उन लोगों को थोड़ा कुछ लाभ प्राप्त हो, लाभ मिले, है ना। यही बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे यहाँ के पंडित जी थे, अपना शुभ नाम बता दें। चंद्रदीप सिंह। अरे पंडित जी ने बताया कि सारे सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य लोग और दीदी लोग भी यहाँ शामिल है, बच्चों के हिस्सा ले रही सफाई में। इस कार्य को करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, यह लोक आस्था का महापर्व है। इस व्रत में, इस पूजा में यह 3 दिवसीय अनुष्ठान होता है, 4 दिवसीय अनुष्ठान होता है, जिसको कहते हैं हम लोग पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ, और सुबह में अगले दिन सुबह के अर्घ से व्रत की समाप्ति होती है। तो यह पर्व जो है शुद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है, स्वच्छता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी निमित्त हम लोगों के विचार में आया कि भाई कुछ जो है धर्मार्थ का कार्य हो जाए, इस निमित्त जो है हम सभी यहाँ आए हैं और सभी हमारे आचार्य बंधु लगे हुए हैं, दीदी जी लगी हुई हैं, ताकि कुछ जो है नेकी का कार्य हो जाए। धन्यवाद। बहुत नेकी का ये कार्य है, कहना नहीं है सर कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमें खुशी हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है कि मैं ऐसे कार्य को अपने चैनल पे न्यादी न्यूज पे दिखा रहा हूँ, जो कि सर का कार्य भी सराहनीय है और यहाँ का सूर्य मंदिर का जो नज़ारा है वो भी बहुत सुंदर है। चलिए मैं चलता हूँ, कुछ दीदी लोग हमारे यहाँ पे बढ़ लगी हुई हैं, काफ़ी मेहनत मशक्कत कर रही हैं आज। ऐसे तो घर में झाड़ू हमेशा लगाती हैं, मगर यह आज मंदिर के परिसर में और यहाँ सूर्य मंदिर है, इसके बारे में क्या कहिएगा? यहाँ तो हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति ये है, हमारे सूर्य जो मंदिर है इसमें हम यहाँ पे इस झाड़ू लगा कर मतलब मन खुश हो जा रहा है, क्योंकि जो छठ पर्व है, छठ पर्व के अनुसार जो व्यक्ति मतलब कार्य करता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। इस अवसर पे हम लोग का भी सेवा मतलब देने का अवसर मिला, तो हम लोग पीछे नहीं हटे, हम लोग भी सोचे बढ़ चढ़ के काम करके अपना इसमें योगदान दे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये भी है, देखिए इस तरह से बोरे में ये सारे सूखी पत्ती को उठाए हुए हैं और इसे ले आकर जगह पे रख रही है जहाँ इसका जगह है। अभी क्या कहिएगा? सरस्वती शिशु मंदिर में आने के बाद हमें इतना अच्छा, हमारी सौभाग्य हुई, हमें ये सब काम करने को मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है, देखिए बहुत सब एक पर एक है भाई, देखिए एक और साहब लगे हुए हैं, अकेले ही लगे हुए हैं, बहुत मेहनत का कार्य। और ऐसा तो कार्य वाकई में घर में करने में आदमी शर्माता है, लेकिन भगवान के घर में, भगवान के दर पे इस तरह से भिड़े हुए हैं। साहब आपका शुभ नाम क्या है? सूरज प्रसाद श्रीवास्तव। और सूरज मंदिर में साहब क्या कहिएगा? बहुत अच्छा अवसर मिला है कि इस पावन अवसर पर हम लोग सूर्य मंदिर परिसर की साफ सफाई में लगे हुए हैं। यह आस्था है, यह विश्वास है कि माँ छठी मैया सबका शुभकामना करें, सबके लिए भला करें, इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं। इनसे में बात कर लीजिए, आप पर्चिया बताने में। मेरा नाम स्वाति सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह से झाड़ू लेकर मंदिर का परिसर में मंदिर है, इसके बारे में क्या कहिएगा? ऐसा काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे जीवन की जो जमा पूंजी है आज एकदम संपूर्ण हो गया। उन्हें भी सबके साथ मिलकर काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं चलता हूँ, देखिए यहाँ पे ये एक और हमारी मुलाकात एक हस्ती से हो गई है। जैसा सुनने में आया कि PPCL के ये प्रिंसिपल सर हैं और हमारी सूर्य मंदिर में मुलाकात हो रही है, छोटी सी बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। जी सर, हमारे न्यादी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि छठ के मौके पे हमारे साथी लोग, हमारे शिष्य लोग भी सब लगी हुई है आज, और आप भी यहाँ पहुँच गए हैं, दीपक जी भी हैं, छठ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। गेस्ट भी हैं जी, और ये भी इनको घुमाने के लिए लेकर आए हैं, हमको ध्यान नहीं था कि छठ है, लेकिन पहुँचे हुए हैं। सर आप तो यहाँ पहली बार आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। मेरा सौभाग्य फिजा को, आबो हवा को, यहाँ के क्लाइमेट को क्या कहिए? बहुत अच्छा सौभाग्य के सूर्य मंदिर का छठ के दिन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। देखिए ऐसे ऐसे लोगों से यहाँ अचानक मुलाकात होती है। मैं दिखाने आया था यहाँ के मैनेजमेंट को कि यहाँ पे छठ पूजा की तैयारी किस तरह से चल रही है, क्या यहाँ पे व्यवस्था है। आपको धन्यवाद जी सर। धन्यवाद। आप रोहतास प्रखंड के सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और आपके चैनल सामाजिक सद्भावना का प्रतीक देता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे स्थान पर जाने का काम करते हैं जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो वास्तविक में जो एक पत्रकार का, एक जो न्यूज़कर्ता का कार्य होता है आप करते हैं,
और यहाँ के जो ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर की ओर से और जो यहाँ के सर जो लोग आए हैं इनकी ओर से आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर, आप भी कुछ कह दीजिए। यहाँ मंदिर में आपने दर्शन किया था? बहुत 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 अच्छा लगा। हम लोग बड़ी दूर से, हम लोग पटना से आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, पटना से आए हुए हैं और हमारे रोहतास की खूबसूरती को चख दे रहे हैं। यहाँ पे सूर्य मंदिर है, क्या कहिएगा? बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ, बहुत सुकून मिल रहा है, वाकई बहुत सुकून है। हकीकत बता दूं, मैं शहर में रहता हूँ लेकिन इतनी शांति नहीं है साहब। यहाँ पे कुछ काम ऐसा देख के आंखों को ठंडक मिल जा रही है। हमारी दीदी, हमारे भाई इस तरह से यहाँ पे मंदिर की सफाई कर रहे हैं, भाई ये कितनी अच्छी बात है। और सर का तारीफ करना, न्याजी न्यूज़ का आज हौसला अफजाई करना, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमेशा सामाजिक सद्भावना का काम किया है हमेशा, इसलिए न्याजी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे स्थिति पर भी जाते हैं जहाँ या ईद मिलन हो, सूर्य मंदिर हो या छठ पूजा हो, हर लोगों का जाके आप जो है फीडबैक को लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जब मैं दर्शकों को अपना शुभ नाम बताते हैं, सुचित पाठक नाम है जी। आज आपकी टीम सुनने में आया कि यहाँ 17 की तादाद में आए हुए हैं, पूरे अपनी टीम के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं। पहले तो आपकी टीम को बधाई न्याजी न्यूज़ की जानी पे, क्या कहिएगा मेरे दर्शकों से और अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? ये दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ये जो चैती छठ जो है इसका एक अलग ही महत्व है। इसमें सूर्य नारायण भगवान का लोग तन मन धन से पूजा करते हैं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। तो अगर व्रत हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए उसके एवज में कुछ सफाई कार्य ही कर दें तो बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं, खुशनसीबी और खुशनसीबी। आप अपना नाम बता दें। अमन प्रसाद गुप्ता। देख रहा था कि आप यहाँ इस तरह से सफाई में लगे हुए थे, कैसा लगा गुप्ता जी? बहुत अच्छा लगा हमको, ये इस तरह का कार्य हमको करने को मिलता है, मन को शांति भी मिलती है और काम करने में भी आनंद आता है, बहुत आनंद मिल रहा है। देखिए हमको वीडियो बना कर और फिर बातचीत करके भी बहुत आनंद मिल रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हकीकत तो ये कि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे सफाई अभियान में और इस कार्य को कर रहे हैं, मैं सबसे बात करूँ और उनसे एक मुलाकात करूँ ताकि हमारा एक नया पहचान हो, एक रिलेशन बने। जी ऐसा कार्य कर रहे हैं, पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता हुआ और मैं सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणपुर बंजारी में आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज ऐसा कर रहे हैं भैया, आप कैसा लग रहा है? देखिए हम लोग का एक शेड्यूल था कि हम लोग का टास्क दिया गया था कि एक सामाजिक कार्य करना है, तो उसमें हम लोग जब यहाँ घूमने के लिए आए तो हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है और महा छठ पर्व है, तो उसके अनुरूप हम लोग क्या किए कि हम लोग तुरंत सभी टीचर मिलकर एक निर्णय लिए कि आज पूरे सूर्य मंदिर को साफ करना है और हम लोगों ने इसको साफ किया और साफ करके स्वच्छ पूरे हमारी सारी टीम आई है, 17 टीचर हैं, सभी कोई हम लोग आए हुए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और माँ छठ से शुभकामनाएं आशीर्वाद मांगते हैं कि सब कोई अच्छे से रहे और हम लोग बहुत खुशी हो रही है सर। एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपके न्यूज़ से हम जुड़े हुए हैं न्याजी न्यूज से, जिसमें आपका हर इंटरव्यू देखते हैं, चाहे डीएम साहब का हो चाहे वीडियो साहब का हो, जिसको देखने के बाद आप मतलब उसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं और काम को भी प्रभावित रूप से देख कर निर्णय भी लेते हैं और उसको समाज में एक बेहतरीन पहचान भी मिलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी न्यूज़ का तारीफ करने के लिए, हमारे काम को तारीफ करने के लिए। तारीफ अगर से आपको करना है तो हमें एक लाइक दे दीजिए, अब तक आप हमसे जुड़े नहीं है तो हमसे एक रिलेशन बनाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के कार्य को जो सर लोग हैं सरस्वती शिशु मंदिर और यहाँ की टीम है सूर्य मंदिर जिसका नाम है, अगर से आपको यहाँ का काम अच्छा लगा हो, मेरा काम अच्छा लगा हो, यहाँ की सफाई का अभियान का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।